द चैनल। आज हम आए हैं आइकिया वर्ली में शॉपिंग करने, तो चलिए मैं आपको मेरे साथ लेकर चलती हूँ और हम आपको पूरा आइकिया शॉप डिटेल में दिखाएंगे। तो यहाँ पर पार्किंग का 150 रुपीज़ है और पार्किंग स्पेस भी काफ़ी बड़ा है यहाँ पर। इसके पहले हम लोग आइकिया नवी मुंबई भी गए थे, तो उसका वीडियो भी हमने बनाया है जिसका लिंक मैं आई बटन पे दे दूंगी, तो उसको जाकर भी आप देख सकते हो। और ये जो आइकिया वर्ली का बिल्डिंग है बाहर से काफ़ी अच्छा लग रहा है। और चलिए अभी अंदर चलते हैं। तो जहाँ पर आपका सिक्योरिटी चेक होगा वहीं पे ऐसे लॉकर्स भी दिए हुए हैं, इनकेस अगर आपको पर्स या फिर अपना बाकी का सामान लेके नहीं घूमना है तो यहाँ पे आप रख सकते हो। तो यहाँ पे उन्होंने सारा मेंशन किया हुआ है, सारा इन्फॉर्मेशन है कौन से फ्लोर पे क्या क्या चीज़ें हैं। तो गाइस आइकिया आने का मेन रीज़न ये है कि हम हमारे घर को रिनोवेट कर रहे हैं, तो कुछ चीज़ें हमें यहाँ से रेडीमेड बाई करनी थी, तो इसलिए हम यहाँ पर आए हैं। तो कुछ डेकोरेटिव आइटम्स भी देखेंगे और मेनली तो मतलब मेजरमेंट लेना है, समझ कोई टेबल रेडीमेड बाई करना है तो हाँ। अंदाज आ जाएगा और मे बी यहाँ पे कौन से कलर्स अवेलेबल है तो वो कलर्स के हिसाब से रूम का कलर भी डिसाइड होगा। एग्जैक्टली, तो कुछ फर्नीचर हम लोग यहाँ से परचेस करने वाले है और यहाँ से बेसिकली प्लांट्स देखने हैं बहुत सारे। सो गाइज आइकिया स्टोर एक्सप्लोर करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हम लोगों ने रिसेंटली 100 के सब्सक्राइबर का माइलस्टोन क्रॉस किया है यूट्यूब पे, और ये जो माइलस्टोन है ना ये हर एक क्रिएटर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और स्पेशल होता है। और ये जो पूरी जर्नी है हम लोग की 100 की, इसमें हम दोनों ने बहुत कुछ सीखा है। ऑनलाइन क्रिएशन जितना दिखता है ना एक्चुअल में उतना आसान होता नहीं है, चाहे वो ऐसे लाइफस्टाइल वीडियोस हो, ट्रायल वीडियोस हो या फिर ट्यूटोरियल वीडियोस हो। तो इनिशियली ऐसा फिगर आउट करना थोड़ा सा टफ हो जाता है, बट इस प्रॉब्लम को इजियर करने के लिए हम यूज़ कर रहे हैं स्किलशेयर। और लास्ट टाइम पे मैंने क्लास लिया था ग्रैब योर अटेंशन बाय JR अली, जिसके वजह से मेरे जो सिनेमैटिक इंट्रोज है वो बेटर बने। सो गाइज स्किलशेयर एक ऑनलाइन लर्निंग कम्युनिटी है जिसमें मोर देन 1000 क्लासेस है जो सिखाए जाते हैं इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स और लीडर्स से। और इसमें सिर्फ फिल्म मेकिंग ही नहीं बट योगा, डांस, कुकिंग ऐसे कई सारे क्लासेस है। और इसका बेस्ट पार्ट मुझे ये लगता है कि कम्प्लीटली एड फ्री और शॉर्ट क्लासेस है। सो गाइज मैंने ट्यूटोरियल वीडियोस बनाने से पहले YouTube सक्सेस स्क्रिप्ट शूट एंड एडिट विद MKBHD वाला क्लास लिया, जिसमें मुझे स्क्रिप्ट राइटिंग से ऑडियंस को कैसे हुक करके रखना है ये समझा। और सिमिलरली मैंने भी कैरी केक्स अ बिगिनर्स गाइड टू क्रिएटिंग ब्लॉग्स फॉर YouTube का क्लास लिया, जिसमें ब्लॉग्स में ऑथेंटिसिटी कैसे रखनी है उसकी ओवरऑल आइडिया मुझे आई। और यहाँ पे इंडियन क्रिएटर्स भी है जैसे कि इंडोर गार्डनिंग बाय एकता चौधरी एंड हीलिंग योगा बाय दीप कुमार। गाइस स्किलशेयर का जो एनुअल सब्सक्रिप्शन है वो लेस देन 800 रुपीज़ है, इसका मतलब अगर आप वो मंथली डिवाइड करते हो तो रफली 150 रुपीज़ से भी कम है, जो कि एक पिज़्ज़ा या फिर कॉफ़ी के कॉस्ट से भी कम है, विच इज़ एक्चुअली वेरी अफोर्डेबल। मतलब आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है एंटायर लाइब्रेरी ऑफ क्लासेस एट सच अ लेस कॉस्ट। सो गाइज हम आप सभी के लिए एक स्पेशल डील लेकर आए हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जिसमें आपको 1 महीने का फ्री ट्रायल मिलेगा। बट ये स्पेशल ऑफर फर्स्ट 1000 व्यूअर्स के लिए ही है जो डिस्क्रिप्शन में दिए गए कस्टमाइज लिंक्स से स्किल शेयर ज्वाइन करेंगे। ट्राई इट गाइज, आई एम श्योर आपको ये कम्युनिटी से बहुत ज़्यादा फायदा होगा। गाइज यहाँ पे जो ग्लास के प्लेट्स और बाउल्स है वो बहुत चीप है, 59 रुपीज़ का एक बाउल है और 59 रुपीज़ का एक प्लेट है, और साइज़ भी काफ़ी डिसेंट है यहाँ पे। अच्छा है अगर आप पूरा स्क्रैच से अगर किचन सेटअप कर रहे हो ना तो ये अच्छा है बहुत। ये फाइल्स अरेंज करने के लिए है, सिर्फ इतना ही कि ये पेपर का है तो ये जल्दी ख़राब भी हो जाएगा, फट भी जाएगा। और ये कुछ ऑर्गेनाइजिंग बॉक्सेस है, सो स्टेशनरी और या फिर अपने ऑफिस के लिए आप यूज़ कर सकते हो। काफ़ी सस्ते भी है ये, 249 का एक बॉक्स है। ये देखो मैं ऐसा बोल रही हूँ आपको, ये दिख रहा है ट्रेज आपको, ऐसा बोल रही हूँ मैं अपने कबर्ड के लिए। इसमें क्या है ना ये फंगस वगैरह नहीं लगता। ये क्या है, चेयर है या क्या है? चेयर है, फोल्डिंग चेयर, वो जो सब ऊपर है वो। हाँ ये मुझे टेबल बहुत अच्छा लगा, ये लैपटॉप टेबल है जो आप अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हो पोजीशन उसका। और इसकी लाइन से तो ग्रिप भी अच्छा मिलेगा, मस्त एकदम। और ये 1290 का ही है
वैसे 999 को अमेज़ॉन में आपको बेसिक लैपटॉप टेबल मिलता है, बट ऐसा नहीं मिलता एडजस्टेबल। ये मुझे बहुत अच्छा लगा, 1290 में बहुत अच्छा है, बेड पे बैठ के काम कर सकते हैं इजीली। सो पॉइंट ऐसा है कि अभी फ़िलहाल हम लोग हमारे दूसरे घर में रहने वाले हैं टाइम बीइंग के लिए, जब तक हमारा रिनोवेशन कंप्लीट नहीं होता। तो अभी इनका ऐसा हो गया कि फिर एक और बार आएंगे और तब सारी चीज़ें लेकर जाएंगे, नहीं तो अभी बार बार मूव करनी पड़ेगी एक घर से दूसरे घर। तो यहाँ पे बेसिकली आपके रूम के हिसाब से मेजरमेंट लिए जाते हैं और आपको दिखाया जाता है 3D मॉडल पे कि कौन सी चीज़ कहाँ पे अच्छी दिखेगी आपके रूम में। और ये कंसल्टेशन के लिए वो लोग 5,000 रुपीज़ चार्ज करते हैं, मतलब पर रूम 5,000। उसके अंदर वो 3D मॉडल बनाएंगे आपके रूम का और वो डायमेंशन के हिसाब से वो लोग उनका एग्जिस्टिंग फर्नीचर प्लेस करेंगे, जिसके से अपने को समझेगा कि वो कैसा दिख रहा है। ओके ओके ऑलराइट। ये 10 हैंगर का पैक है 129। स्क्रू ड्राइवर है बट इलेक्ट्रॉनिक वाला। ओके चले ऊपर। हाँ 1,000 रुपीज़ का है, चलो ऊपर। अच्छा है, बेड फ्रेम है सिर्फ 3,000। अच्छा है ना। हाँ ये स्टडी टेबल अच्छा है, 11,000 का। बट आई गेस अपने को थोड़ा सा कॉम्पैक्ट लेना है और हाँ कम साइज वाला लेना। और ये भी अच्छा है देख, ये पिन करने के लिए 899 का है। वाओ ओ माय गॉड सो क्यूट। ये टेबल देख इधर का ये ले तू, क्यूट है वो, ये ले तेरे लिए अच्छा है। सो फर्स्ट फ्लोर पे पूरा बेडरूम का सेक्शन है, अभी काफ़ी सारे बेड्स यहाँ पे दिख रहे हैं और काफ़ी बजट वाले भी हैं, मतलब ऑलमोस्ट 4,000 से लेके सारे बेड का कॉस्टिंग है और काफ़ी अच्छा है। मतलब अगर आपके पास इतना बजट नहीं और आप अपना घर डिज़ाइन करना चाहते हो अच्छे तरीके से ना, तो मेरे को लगता है आपको यहाँ से अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। ये बेड फ्रेम है देखो, ये अच्छा। रहता है नीचे। अच्छा ये नीचे रहता है, ये नीचे रहता है, इसके ऊपर मैट्रेस आता है। ये अच्छा है, 799 में प्लेन कलर्स है, मतलब जिसको ज़्यादा डिज़ाइंस नहीं पसंद ना उनके लिए काफ़ी अच्छे ऑप्शन है। हाँ इसमें है देख नीचे। हाँ ये ज्वेलरी रखने के लिए अच्छा है, मतलब ख़राब नहीं होगा। इसमें कपड़ा है, इसके ऊपर क्लॉथ रखा है, तो इसमें अगर ज्वेलरीज रखा तो ख़राब नहीं होगा। वॉचेस भी यस। तो ये वाला फाइल होल्डर काफ़ी अच्छा है, मेटल का है और ये 999 का है। हाँ मुझे भी यही अच्छा लगा। हाँ ये अच्छे से फिट होगा ना। हाँ एक ड्रॉअर है इसको, बेस्ट है एकदम, 5,000 का। हाँ सॉर्टेड है ना, सॉर्टेड है एकदम, मस्त। और यहाँ पे ये भी डाला है उन्होंने वायर डालने के लिए, चार्जिंग वगैरह। स्टोरेज केस है 899 का और ऊपर वाला 599 का। ये लेना है मुझे, मेरे 1300 1000 का, ये 1000 का है देख। मुझे ये अच्छे लगे। कौन सा? ये वाले ऐसे थोड़े नैरोअर भी है
और डिजाइन डिफरेंट है। हाँ, डिजाइन डिफरेंट है। कितने का है? 999 का, दो शेल्फ ले सकते हैं। सो अभी हम आए हैं कैफेटेरिया में क्योंकि बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है और थोड़ी सी भूख भी। ये वाले आइकिया का कैफेटेरिया स्मॉलर है नवी मुंबई के कंपैरिजन में, बट यहाँ वाला प्रीटियर है। एक पानी का बोतल, चिकन सैंडविच जो कि ठंडा मिलता है यहाँ पे, सैंडविचेस सारे फ्रोजन है, एक पिज्जा स्लाइस, वेजी बॉल्स 480। चिकन सैंडविच आपका बहुत बड़ा लग रहा है। हाँ, चिकन सैंडविच बड़ा है और ठंडा है। और यहाँ पे जो पिज्ज़ा है वो स्टैंडर्ड मार्गरिटा पिज्ज़ा मिलता है और ये एक स्लाइस है जो कि काफ़ी मुझे हेवी लग रहा है। 80 रुपीज़ का, 80 रुपीज़ का है। बेसिक चीज़ पिज्ज़ा है, अच्छा है, ठंडा है पर अच्छा है, फ्रेश है। सो ये टेबल मुझे ज़्यादा अच्छा लगा। इसमें ड्रॉवर नहीं है बट इसमें ये जो ऑर्गेनाइज करने के लिए दिया हुआ है ना ये ऊपर, अरे वो अलग से नहीं, अलग से नहीं है। और ये 6000 का ही है तो मुझे अच्छा लगा, थोड़ा बचकांड है। और एक दो मैंने टेबल्स आपके लिए देखे हैं। मेरे लिए? हाँ ये देखो, मेरा तो मुझे पता है मुझे कौन सा लेना है। नहीं ये नहीं, कप होल्डर भी है, वो बेटर है। कप होल्डर का कुछ नहीं, वो तो अटैचमेंट है कप होल्डर। ये इलेक्ट्रिक वाला है ना? ये सादा है, मैनुअल है, 13000 का है। वायर और सब अरेंज करने नीचे ना, हाँ वो स्पेस है, हाँ है ना, और इसको व्हील भी है तो मूव भी कर सकते हैं, मूव भी कर सकते हैं। यस, अच्छे लैंप्स है, देखना ये 1190 का ही है तो ये सही लगता है मुझे। हाँ ये अच्छा है। ये कितने का है? ये अच्छा है, 1990। अच्छा, ये कलर भी अच्छा है। ये अपने को स्पॉटलाइट देखना है क्या? है ना लिविंग रूम में, ये देखो ना, अच्छा है, गोल्डन अच्छा लगा मुझे। ये 3490 का क्या है? बैरोमीटर 5 स्पॉट्स, यही यही है। ये तो आप लास्ट टाइम भी देखा था आपने, टिपिकल आइकिया का, टिपिकल आइकिया है। मुझे बहुत पसंद है, मेरे को बिल्कुल नहीं अच्छा लगा है, मुझे पसंद है। कितने का है? 6000 ऑलमोस्ट। ये देखो ना, ये अपने वो चेयर है ना आपका, अभी के ऊपर अगर ऐसा रखा तो मस्त दिखेगा ना। कितने का है ये? 900 का ही है, 800। हाँ अच्छा है। फिर इनके पास लैम्प का कलेक्शन अच्छा है, सिंपल और एकदम सटल टाइप्स। ये भी एक चेयर मस्त है। ये सारा स्टोरेज वाला सेक्शन है। सो गाइस, फर्स्ट लेवल पे ये बाथरूम, बेडरूम, वार्डरोब, वर्क स्पेस, होम ऑर्गेनाइजेशन और चिल्ड्रंस आइकिया, अपन ने सारा दिखा दिया ना। हाँ, अभी अपन जा रहे हैं सेकंड फ्लोर पे। यहाँ पे बहुत शॉपिंग करने वाले हो अभी। 19000 का सोफा और 2000 का टेबल। क्या कॉस्ट है इसका? 199। भाग किधर रहे हो अभी? फटाफट फटाफट। ऑर्गेनाइजेशन ना, मतलब आइकिया में बहुत सही मिलता है। किसी को जिसको OCD रहेगा ना, उन्होंने शुरू किया रहेगा आइकिया। हाँ, आई स्वेयर। तो तुझे अंदर जाना ही है क्या? हाँ, कितना अमेजिंग वे में सब कुछ ऑर्गेनाइज। वो क्योंकि ये यूज में नहीं है, सिर्फ शो के लिए है। यूज में रहेगा तो मैं रख सकती हूँ ऐसा, सेम। वाओ, ये देखो, ये देखो, वाओ। ये देख, ये सोफा 3-सीटर सोफा कम बेड है, 21000 का। ये भी सोफा कम बेड है। हाँ ये ठीक है। हाँ, इसको पुल किया तो वो सो ये हो जाएगा, बेड हो जाएगा। नेक्स्ट 54000 का है। हाँ, ये भी है कि 29000। ये तो ऐसा लग रहा है मैट्रेस सिर्फ रख दिया है इसको फोल्ड करके। सेंटर टेबल, हाँ अच्छा है ना। 16000, ये भी अच्छा है, सिंपल। 2000 का।
ये टीवी यूनिट है सारे। और ये 250। निकलना है अभी? हाँ अभी क्या, आपने कुछ लेने ही नहीं दिया मुझे। कुछ लेने की ज़रूरत ही नहीं है, अपना रिनोवेशन हो जाएगा ना, कलर वलर हो जाएगा, उस टाइम पे अपन डिसाइड कर सकते हैं क्या लेना है। अभी सिर्फ अपने को आइडिया लेना था कि क्या क्या ले सकते हैं यहाँ पे। तभी भी और इधर से टिश्यू पेपर और सॉल्ट का होल्डर और ये सब चीज़ें लेने की ज़रूरत नहीं, किधर भी मिल जाएगी नैपकिन। हाँ वो इधर इधर कितना क्यों रहेगा लाइन के, लाइन कितना रहेगा। अभी मैं क्या करने वाले ना, जब अपना हम लोग का रिनोवेशन भी हो जाएगा ना, तो मैं यहाँ आने से ज़्यादा अच्छा मैं नवी मुंबई वाले आईकिया में जाऊँगी, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा ऑप्शंस है और काफ़ी बड़ा भी है वो आईकिया। और आपके साथ नहीं जाऊँगी मैं, अकेले जाए वो बेस्ट रहेगा। ये सारी चीज़ें आपको वेबसाइट पर मिलती है, बट यहाँ पर आने का फ़ायदा ये है कि आपको यहाँ पर एक्चुअली उसका टच एंड फील समझता है, क्वालिटी कैसा है वो सब समझता है। तो उस रीज़न से हम लोग भी आए, और जाने के लिए तो नवी मुंबई भी जा सकते थे हम लोग, बट ये चीज़ एक्सप्लोर करना था और हाँ, आपको भी दिखाना था। आप लोगों को दिखाना था कि वर्ली वाला आइकिया कैसा है, इसलिए हम लोग यहाँ पे आए। 17,000 का। हाँ ले लो ना फोटो इसको। हाँ मैं लेती हूँ। और यहाँ पे वेटिंग एरिया है देखो। राइट, मे बी वीकेंड्स को बहुत ज़्यादा भीड़ होती रहेगी ना, इसलिए यहाँ पे वेटिंग एरिया उन्होंने बनाया है। किंजल यार ये दोनों बिल्डिंग क्या नेक्स्ट लेवल दिखते हैं यार, भारी एकदम भारी दिखते हैं। और ये साइड में भी एक बिल्डिंग है देखो। ओ माय गॉड, ये देख ये फ्रेम क्या सही लग रहा है, ऐसा लग ही नहीं रहा है, दुबई उबई जैसा लग रहा है। हाँ, एकदम। और ये यहाँ पे स्टारबक्स है और ऐसा एकदम बुटीक स्टारबक्स जैसा लुक है इसका। तेरे से एक फोटो क्लिक करवाना ना मतलब इशू है। मैं जब करती हूँ ना तब आप अप्रिशिएट नहीं करते, और ऐसे टफ सिचुएशन में मुझे डालते हो ना, टफ सिचुएशन समझता नहीं है। मैंने तेरा जैसा फोटो निकाला वैसे सिमिलर कॉपी करने को भी तेरे को नहीं जम रहा है। वही ना, आप जो काम करते हो वो कॉपी 10 लोग करते हैं, बट एग्जैक्टली आपके जैसे कॉपी कर पाते है क्या? नहीं, वही तो स्किल होता है। ये बोल के तू काम ही मत कर। सो किंजल का मैंने ये फोटो निकाला जिसमें पीछे के चारों बिल्डिंग दिख रहे और ये इसने मेरा निकाला जिसमें एक बिल्डिंग गायब है। Wandering Minds। Yes, hi। Hi। Hi, hi। तिथून पाहिला एक्चुअली तुम्हाला। Finally coffee। यहाँ का स्टारबक्स काफ़ी अच्छा था, स्पेशली व्यू यहाँ से, यहाँ के स्टारबक्स से बहुत अच्छा है। जो हम लोगों ने आपको स्काई स्क्रेपर दिखाया उसका इंस्टाग्राम पे हमने पोस्ट भी किया है, अगर इंस्टाग्राम पे नहीं फॉलो करते हो तो अभी जाके फॉलो कीजिए। वो उसका पूरा व्यू था, और जो सन है ना उस पर पूरा रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो बहुत अमेजिंग लाइट आ रहा है और अमेजिंग दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि मुंबई सच में अपग्रेड हो रहा है। तो बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आके। आज के वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कॉमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बाय गाइस।